गाइस वेलकम टू अर्निंग सीक्रेट्स। तो आज मैं आप लोगों को फास्ट फॉलोअर्स एंड लाइक्स पर एप्लीकेशन की अनलिमिटेड पॉइंट्स ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ कि ये कोई हैक वीडियो नहीं है, ठीक है। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कोई हैक वीडियो नहीं है। किसी भी हैक के बारे में आप लोग नहीं बताएंगे क्योंकि हैक से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हैक से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, जो भी मिलता है और बाद में उससे ज़्यादा हम लोगों से सीना जाता है। तो हैक के बारे में सोचो ही मत। एप्लीकेशन के साथ कुछ भी छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। जो भी एप्लीकेशन फीचर्स हम लोग को दे रहे हैं उसे ही हम लोग थोड़ा स्मार्टली यूज़ करेंगे और थोड़ा दिमाग लगा के यूज़ करेंगे ताकि हम लोग इस एप्लीकेशन की जो भी लिमिटेशंस है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही आसान एप्लीकेशन है। इसके बारे में पूरा ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे ही, आप लोग देख लेना। बहुत ही आसान वे में मैंने समझाया है, आप लोग पूरा 5 मिनट पे सब समझ जाओगे कि कैसे यहाँ पे काम करना है। एक बार यहाँ पे आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा इसका लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग ज़्यादा फास्ट मतलब ज़्यादा टाइम काम कर लेते हो ना, बहुत ही कंसिस्टेंटली आप लोग पकड़ लो आधा घंटा से लाइक फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को लिमिट दे देता है ये कि आपको इतना टाइम वेट करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कैसे कि वो लिमिट को हम लोग जेन्युइनली ओवरकम कर सकते हैं बिना कुछ छेड़खानी किए इस एप्लीकेशन के सोर्स कोड के साथ, ठीक है। तो कोई भी मोड सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, पूरा जेन्युइनली देखेंगे एप्लीकेशन पूरा मतलब पूरा हम लोग ठीक से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा देखना। तो पहले मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई ट्रिक यूज़ करके मेहनत करके अगर आप लोग फॉलोअर्स लाओगे भी तो उन फॉलोअर्स को रिटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारा बंदे मुझे कमेंट करते हैं कि भाई मैंने तो फॉलोअर्स कमा लिया, कल मैंने 1000 फॉलोअर्स कमा लिया था लेकिन अगले दिन सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा सिर्फ 700 समथिंग फॉलोअर्स थे, तो मेरे इतना फॉलोअर्स ने मुझे अनफॉलो कर दिया एक ही रात पे। तो इसी कंडीशन पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो पहले तो गाइस आप लोग काम करना चाहते हो तो 2-3 बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को पहले अपना फॉलोअर्स ग्रो करवाना है। जब तक आप लोग जितना चाहते हो उस पोजीशन पर आप लोग नहीं पहुंच जाते तब तक आप लोग जितने भी बंदे आपको फॉलो करेंगे उन सबको आपको फॉलो बैक करना है और आप लोगों को कोई एटीट्यूड वगैरह ये सब नहीं दिखाना है कि मैं सिर्फ एक ही बंदे को फॉलो करूँगा, मैं किसी को फॉलो नहीं करूँगा, मेरे को 1000 बंदे फॉलो करेंगे। पहले ही ऐसा नहीं होता है। पहले आप लोगों को सारे बंदे को जो भी आपको फॉलो करेंगे उसे फॉलो बैक करना है ताकि वो सारे बंदे आपको अनफॉलो ना करें, ठीक है। पहले कुछ थोड़ा अच्छा खासा फॉलोअर्स बेस बना लो, उसके बाद तुम जिसको चाहो अनफॉलो कर सकते हो, लोग तो अब तुमको मानेंगे भी, ठीक है। तो पहले ये सब नहीं करना, नहीं तो जितना भी कमाओगे उतने से आधा तो चले जाएंगे। ये होता है, मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस एप्लीकेशन के बारे में आते हैं कि इस पे हम लोग ये जो लिमिटेशन है इस पे जो टाइम लिमिट आ जाता है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले तो हम लोगों को एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा जिसका नाम है पैरेलल स्पेस या तो कोई ड्यूअल स्पेस, कोई भी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आप लोग इसका एक नया वर्जन यूज़ कर सकते हो, मतलब एक ही एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, 2 बार इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब मिल जाएगा, 2 एप्लीकेशन मिल गया। अभी आप लोगों को क्या चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब 5-6 आप लोगों को फेक अकाउंट चाहिए इंस्टाग्राम के। आप लोगों को इंस्टाग्राम का फेक अकाउंट बनाना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मेरे चैनल पर ही मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम के फेक अकाउंट 1 मिनट पे क्रिएट कर सकते हो। आप लोग इंस्टाग्राम के आप लोगों को 3-4 फेक अकाउंट्स क्रिएट कर लेना है। सभी आप लोग इस एप्लीकेशन पे यूज़ करोगे ना, कभी भी आपकी जो ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी है उसे यूज़ नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग उसे एक्सपोज नहीं करना चाहते, उसे हम लोग सेफ रखना चाहते हैं, है ना। तो हम लोगों को फेक अकाउंट से ही काम करना है। तो हम लोगों के पास अभी 3-4 फेक अकाउंट आ गया और हम लोगों को 2 ये फास्ट फॉलोअर्स प्रो एप्लीकेशन भी आ गया। पैरेलल स्पेस नहीं होगा फिर भी चलेगा, एक भी एप्लीकेशन भी एक एप्लीकेशन में ही चल जाता है। अभी क्या होता है, ये देखता है कि आप कौन सा आईडी से काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप लोग
साइन इन करते हो तो आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को डालना होता है। तो ये एप्लीकेशन यही देखता है कि आप लोग कौन सा आईडी से काम कर रहे हो, और उस आईडी की बेसिस पर आप लोगों को ये लिमिट लगाता है, ना कि आप लोगों को इस डिवाइस की बेसिस पर, ये आईडी की बेसिस पर लिमिट लगाता है। अगर आप लोग एक आईडी से आधा घंटा काम किया, मतलब 150 बंदों को फॉलो कर लिया है आपने, तो उस आईडी पे आपको बैन लग जाएगा थोड़ी 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। तो तब आप लोग क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को आप लोग पूरा डाटा क्लियर कर सकते हो। आप लोग ऐप इन्फो पे जाना है, ऐप इन्फो पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लियर डाटा पे आप लोग क्लियर ऑल डाटा आप लोग कर सकते हो। क्लियर ऑल डाटा करके फिर से आप लोग एक दूसरा, मतलब इंस्टाग्राम जो आपकी फेक आईडीज है ना, उससे आप लोग लॉगिन कर लो, उसके बाद फिर से काम करो, ठीक है। और जब भी आप लोग इस एप्लीकेशन से मतलब डाटा क्लियर करोगे, तब आप जितना भी पॉइंट्स आपने कमा लिया उसको आप लोग क्या करना है, अर्न फॉलोअर्स पे जाके आप लोगों को अपने यूज़र नेम पे ऑर्डर कर देना है, ठीक है। एक बार ऑर्डर हो जाता है, इसके बाद ऑटोमेटिक आपको जितना भी फॉलोअर्स है वो मिल जाएंगे, चाहे आप इस एप्लीकेशन का अनइंस्टॉल कर दे, चाहे इस अकाउंट को डिलीट कर दे, आप लोग आसानी से यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग की एक अकाउंट पे साइन इन करो, इस पे काम करो, जितना भी पॉइंट्स कमाया जब तक लिमिट लग गया है, ठीक है, लिमिट लग गया तो तब तक तो आप लोग बहुत सारे कमा रहे होगे ना, तो उससे आप लोग क्या करो, और फॉलोअर्स ऑर्डर कर दो, उसके बाद लॉग आउट हो जाओ, ठीक है। लॉग आउट होने के बाद आप लोग क्या करना है, सिर्फ लॉग आउट होने से नहीं होगा, आपको ऐप इन्फो पे जाना है, ऐप इन्फो पे जाने के बाद आपको इसका डाटा भी क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको कोई नया जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उससे लॉगिन करना है। तो ऐसे ही करके आपको 3-4-5 से आप लोग जितना चाहो इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना सकते हो, उन सारे इंस्टाग्राम अकाउंट से काम कर सकते हो। और जब आपको लेने की बारी आएंगे, सिर्फ अपनी ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही लेना, उन सारे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप लोग काम करो, वो डिसेबल भी हो जाएगा तो आपका क्या जाता है, वो तो सारी फेक अकाउंट्स है। तो उन सारे आईडी से काम करके अपनी जो रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट डालना, सर्च करना, मिल जाएगा तो उसके बाद ऑर्डर कर देना। तो इसमें आपका फ़ायदा है कि आप काम कर रहे हो फेक आईडी से, लेकिन आप ले रहे हो अपनी रियल आईडी से, रियल आईडी पर, ठीक है। तो आपकी रियल आईडी से आप काम भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी रियल आईडी पे कोई ख़तरा भी नहीं है, तो ये बहुत ही सेफ वे है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बाकी जो वेस रहेंगे उन सब में, जिसमें भी आपकी इंस्टाग्राम आईडी को आपका डालना होता है ना, खुद का जो ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी है उसे डालना होता है, वो सारी सेफ नहीं है, कि ताकि आप अपनी आईडी को डाल रहे हो वहाँ पे। लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया कि आप बहुत सारा फेक अकाउंट्स क्रिएट करो यहाँ पे, उन सारे फेक अकाउंट से काम करो, अपनी जो ओरिजिनल आईडी है उसे कभी भी मत डालना, उन सब से पूरा काम करो, आप 150 बंदे को आसानी से फॉलो कर सकते हो, तो उसके बाद ही लिमिट आएगा, उसके बाद आप लोग उस अकाउंट से लॉग आउट हो जाओ, उसके बाद डाटा क्लियर करो, फिर से एक नई अकाउंट से करो, 2-3 घंटे के बाद आपने जिस अकाउंट से काम किया था उसे दोबारा यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है फिर से लॉगिन ही कर जाना है, ठीक है। आप लोग एक फेक अकाउंट से 7-1 महीना काम किया, उसके बाद किसी वजह से, मान लो किसी वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया या तो बैन हो गया, तो तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको और 2 फेक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है, और ये इस पे से ना जो ऑर्डर्स वगैरह है वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है, और बहुत ही हाई क्वालिटी मतलब मिलता है, मतलब ज़्यादा बॉट्स वगैरह नहीं आता है, रियल बंदे ही करते हैं, ठीक है। हम लोगों की जैसे जो भी बंदा इसको यूज़ कर रहे हैं वो लोग ही करते हैं। तो एक ऑर्डर आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, मैंने किया था 21 मतलब फॉलोअर्स का मैंने ऑर्डर किया था, तो मेरे को मिल गया है। तो यहाँ पे कैंपेन्स आप लोग देख सकते हो, अर्न फॉलोअर्स पे जाके आप लोग ले सकते हो, और इस पे आसान है काम करना, आप लोग काम कर सकते हो, लाइक करके आप लोग कमाना चाहते हो, फॉलो करके कमाना सकते हो, कमा सकते हो, बहुत ही आसान है गाइस। तो इस पे मतलब कि आप लोग इतना ज़रूरत ही नहीं है कुछ, और ज़्यादा मतलब कोई मौत वगैरह अगर आप लोगों को मिलता है उन सबसे दूर रहो, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, तो आपकी आईडी अगर एक बार ब्लॉक हो जाएगा इस एप्लीकेशन की मतलब द्वारा, अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आप मौत यूज़ करोगे, तो इस एप्लीकेशन वाले को पता चलेगा, वो आपकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद आप जितने भी अकाउंट से काम करोगे वो भी 1-2 दिन के बाद ब्लॉक ही हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें मत करो, जेन्युइनली काम करो, इस फेक अकाउंट से काम करो, अपने रियल अकाउंट पे ले लो, बस इतना ही सिंपल बात है। तो आई होप आप लोग समझ जाओगे, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहा इस एप्लीकेशन पे तो आप लोग कमेंट पे बता सकते हो, मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।